दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री में कितने टॉपिक्स हटाए गए हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि 30% सिलेबस कम किया गया है यूपी बोर्ड में, तो केमिस्ट्री में देखेंगे कि हमारे जो 30% सिलेबस कम किया गया है उसमें हमारे टेक्स्ट बुक के या पूरे सिलेबस के कितने टॉपिक्स हट गए हैं और क्या क्या अब आपको नहीं पढ़ना है। अच्छे से समझ लीजिए, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सभी कुछ बताया था कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी भी कंफ्यूजन है, कमेंट्स आ रहे हैं लगातार कि आप एक बार फिर बताइए क्लियरली और अच्छे से कि हटा कितना है, पढ़ना कितना है वो तो हम ढूंढ लेंगे बुक में से, लेकिन हटा कितना है आप उसको एक बार क्लियरली समझा दीजिए। तो मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट वन होती है ठोस अवस्था, ध्यान से समझते चलना। यूनिट वन होती है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक तथा कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक, ये टॉपिक्स हटे हैं यूनिट नंबर एक से, जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था से ये टॉपिक्स हट गए हैं जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक, कुचालक एवं एन और पी प्रकार के अर्धचालक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा चैप्टर है यूनिट नंबर टू, जिसका नाम है विलयन। विलयन में क्या हटा है? विलयन से हट गया है असामान्य आणविक द्रव्यमान और वान ठाफ गुणांक। असामान्य आणविक द्रव्यमान और वान ठाफ गुणांक ये हट गया हमारे यूनिट नंबर टू, जिसका नाम है विलयन। यूनिट नंबर थ्री देख लेते हैं। तो यूनिट नंबर थ्री है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन से क्या हट गए हैं? फैराडे के वैद्युत अपघटन के जो नियम थे वो हट गए हैं। कम से कम 2021 में तो इन टॉपिक से प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार ने ये सिलेबस कम किया है 30%। आगे आने वाले सालों में ये सिलेबस वापस से जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा ये बाद में ही हमको पता चलेगा, लेकिन बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए इन टॉपिक्स को हटाया गया है। अच्छे से समझ लीजिए, बारीकी से समझ लीजिए। शुष्क सेल हट गया है, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वनी सेल हट गया है, सीसा संचायक सेल, ईंधन सेल और संचारण, जंग लगने की पूरी केमिकल प्रोसेस हमें पढ़नी होती थी जिसको संचारण कहते हैं, संक्षारण हट गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट नंबर फोर, जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी से केमिकल काइनेटिक्स से हटा है संघट्य सिद्धांत की अवधारणा, कॉलिजन थ्योरी हट गई है। इसका प्रारंभिक परिचय गणितीय विवेचना नहीं थी, ये हट गया है पूरा। सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी हटी है, और इसके बाद हटा है हमारा आर्हीनियस समीकरण। क्या हट गया है? आर्हीनियस समीकरण, ये हमारा हट गया है। फिर देखते हैं हम इकाई नंबर पाँच, यूनिट नंबर फाइव, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन से हटा है उत्प्रेरक, सामांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरक, सक्रियता और चयनात्मकता, एंजाइम उत्प्रेरण, पायसों के प्रकार। पायस क्या है और पायसों के प्रकार, काफ़ी अच्छे अच्छे और सरल सरल टॉपिक्स हट गए हैं केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ से बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। यूनिट नंबर सिक्स, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ध्यान से देखिएगा पूरा अध्याय हटाया गया। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम पूरा अध्याय हटाया गया, तो इसकी टेंशन ही खत्म की ये क्या है, शोधन, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन की उपलब्धता एवं निष्कर्षण के सिद्धांत, ये सब चैप्टर में था। तो जब पूरा चैप्टर ही हट गया तो फिर क्या उसको देखना, तो ये ध्यान रखना कि यूनिट नंबर सिक्स, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम पूरा अध्याय हट गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इकाई सात, पी ब्लॉक के तत्व 15, 16, 17, 18 ये वर्ग हैं। तो वर्ग 15 के तत्व में नाइट्रोजन के ऑक्साइड केवल संरचना ये हटा है, फास्फोरस के अपर रूप हटे हैं, फास्फोरस के यौगिक फास्फीन, हैलाइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को बनाने की विधि और उसके जो गुणधर्म थे, ऑक्सो अम्ल का केवल प्रारंभिक परिचय ये हटा है। वर्ग 16 में देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, ये हट गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन ये हटा है।
यूनिट नंबर 8 देखते हैं। यूनिट नंबर 8 है हमारे डी और एफ ब्लॉक के तत्व, तो इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट को बनाना और उसके गुणधर्म ये हटा दिए गए हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट का विरचन और उसके जो गुणधर्म थे वो हटा दिए गए हैं। फिर है हमारा लैंथेनाइड में इनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता, एक्टिनाइड में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनाइड से तुलना, ये हटाया गया है। यूनिट नंबर 9 है हमारा उपसंयोजन यौगिक, इसमें हटा है हमारा संरचना एवं त्रिविम समावयवता, धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण तथा जैविक निकायों में उपसंयोजक यौगिकों का महत्व, ये हटा है। नेक्स्ट देखते हैं हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, यूनिट नंबर 10 है। इसमें डाइक्लोरोमेथेन हट गया है, ट्राइक्लोरोमेथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म हट गया है, टेट्राक्लोरोमेथेन यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हट गया है, आयोडोफॉर्म हट गया है, फ्रियॉन और DDT हट गया है, इनके उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, यह पॉलीहेलोजन यौगिक मुख्यतः हट गए हैं। फिर यूनिट नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से हटा है मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग, मेथेनॉल और एथेनॉल के उपयोग हटे हैं केवल इकाई नंबर 11 से। अब देखते हैं हम इकाई नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इनमें क्या हटा है साइनाइड और आइसोसाइनाइड, इनका उचित स्थानों पर संदर्भ दिए जाएंगे, ये जो था आपका ये हट गया है। साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये हटा है। इसके बाद डाई एजोनियम लवण को बनाना होता था, उनके रासायनिक गुण होते थे, रासायनिक अभिक्रियाएं ये हट गई हैं तथा कार्बनिक रसायन में इनका संश्लेषणात्मक महत्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल होते थे और इनसे इन पर आधारित बहुत सी अच्छी अच्छी रिएक्शंस होती थी, तो डाई एजोनियम लवण हट गए हैं। इसके बाद देखते हैं हम कि इकाई नंबर 14 यूनिट 14 जैव अणु बायो मॉलिक्यूल से ऑलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेल्युलोज, ग्लाइकोजन, इनका महत्व हटा है। इसके बाद एंजाइम हटा है, हार्मोन हटा है, इनके प्रारंभिक विचार और संरचना को छोड़कर विटामिन्स वर्गीकरण और प्रकार हट गया है। बहुलक की बात करें तो ध्यान से देखना कि बहुलक इतना सरल और इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता था, लेकिन बोर्ड परीक्षा द्वारा 2021 से पूरा का पूरा अध्याय हटा दिया गया है, बहुलक पूरा अध्याय हटाया गया, ये सभी कुछ होता था इसमें, नायलॉन है, पॉलिएस्टर, बैकेलाइट, रबर, जैव अपघटनीय, अनपघटनीय बहुलक, संश्लेषित बहुलक, बहुलकन की विधियां, सह बहुलकन क्या है, सह बहुलक क्या है, समबहुलक क्या है, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक, सिंपल टॉपिक्स होते थे, वो अब हटा है बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा यूनिट नंबर 16 दैनिक जीवन में रसायन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पूरा अध्याय हटाया गया। तो पूरा अध्याय कौन कौन से हटाए गए हैं, एक तो दैनिक जीवन में रसायन, एक हटा है हमारा बहुलक, और एक पूरा अध्याय कौन सा हटा था ऊपर देख लेते हैं, पूरा अध्याय और कोई नहीं हटा है, दो अध्याय थे जो कि एक था हमारा तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये पूरा अध्याय हटा है, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम ये पूरा अध्याय हमारा हटा है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है पूरा अध्याय हटा, तो तीन चैप्टर तो पूरे हटा दिए गए हैं, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसके बाद बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन, ये तीन चैप्टर हमारे पूरे हट गए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स होते थे औषधियों में रसायन, पीड़ाहारी क्या है, प्रशांतक क्या है, पूर्तिरोधी, विसंक्रामी, प्रतिसूक्ष्म, जैविक, प्रतिजनन क्षमता, औषधि, प्रतिजैविक, प्रतिअम्ल, प्रतिहिस्टामिन, खाद्य पदार्थों में रसायन क्या, परिरक्षक, खाद्य परिरक्षक, संश्लेषित मधुरक, सैक्रिन वगैरह पढ़ते थे, प्रतिआक्सीकारकों का प्रारंभिक परिचय, अपमार्जक, साबुन, संश्लेषित, तो ये सब दैनिक जीवन में रसायन था, ये पूरा चैप्टर ही हट गया, तो अब इसकी क्या बात करनी दोस्तों। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस जो 30% सिलेबस है जो हटाया गया। ध्यान से याद रखना कि तीन चैप्टर तो पूरे हटाए गए हैं, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, एक चैप्टर बहुलक और एक और चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, ये पूरे चैप्टर बोर्ड परीक्षा 2021 से हट गए हैं, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, तो इस कारण ये 30% सिलेबस कम किया है सरकार ने। आगे क्या होगा वापस से जोड़ेंगे 2022 2023 आगे आने वाले बोर्ड परीक्षाओं में, तो वो एक अलग बात है, बाद में ही पता चलेगा। सो ये था हमारा सिलेबस केमिस्ट्री का, क्या क्या हटा है अच्छे से मैंने आपको बताया जितना अच्छा से बता सकता था,
वीडियो पसंद आई हो। इसके अलावा जो पूरा सिलेबस है जो आपको पढ़ना है वो मैंने बता रखा है, चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। हो सकता है कि चैनल उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, टाइम मिले तो सब्सक्राइब कीजिएगा, टाइम ना मिले तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।